नमस्ते जी, मैं आर्य चैतन्य स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको जानना सभी के लिए आवश्यक है, अष्टांग योग। किंतु क्या है अष्टांग योग? क्या योगा अभ्यास है अष्टांग योग? ऐसा तो नहीं कि अष्टांग योग के नाम पर आप व्यायाम कर रहे हैं? जी हाँ, इसी प्रकार की भ्रांतियां हमारे समाज में प्रचलित हैं। चलिए जानते हैं क्या है अष्टांग योग, क्या कहते हैं वेद शास्त्र व हमारे ऋषि इस विषय पर। जैसा कि यह शब्द ही अपने आप में अर्थ है, अष्ट अंगों का योग अर्थात आठ आयामों का योग। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग को परिभाषित किया है। उन्होंने योग सूत्र नाम से योग सूत्रों का एक संकलन किया, जिसमें उन्होंने पूर्ण कल्याण तथा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए अष्टांग योग का एक मार्ग विस्तार से बताया है। अष्टांग योग को आठ अलग अलग चरणों वाला मार्ग नहीं समझना चाहिए। यह आठ आयामों वाला एक मार्ग है, जिसमें आठों आयामों का अभ्यास एक साथ किया जाता है। योग के ये आठ अंग क्या हैं? आइए जानते हैं। प्रथम आयाम है यम और इसके पांच भाग हैं। पहला है अहिंसा, अर्थात अकारण शरीर वाणी मन से किसी प्राणी को दुख तो नहीं दिया। यदि हिंसा हुई है तो क्यों एवं आगे कैसे रोकूं, इसका चिंतन तथा अहिंसा हेतु संकल्प। उदाहरण, शरीर वाणी तथा मन से सब काल में समस्त प्राणियों के साथ वैर भाव द्वेष छोड़कर प्रेम पूर्वक व्यवहार करना अहिंसा कहलाता है। दूसरा यम का भाग है सत्य। जैसा हमारे परीक्षित ज्ञान में है, वैसा ही मनन अथवा कथन हुआ है या नहीं। उदाहरण, जैसा देखा हुआ, सुना हुआ, पढ़ा हुआ, अनुमान किया हुआ ज्ञान मन में है, वैसा ही वाणी से बोलना और शरीर से आचरण में लेना सत्य कहलाता है। तीसरा भाग है असत्य, अर्थात चोरी। किसी वस्तु के स्वामी की आज्ञा के बिना उस वस्तु को ना तो शरीर से लेना, ना लेने के लिए किसी को वाणी से कहना, ना ही मन में लेने की इच्छा करना असत्य कहलाता है। चौथा भाग है ब्रह्मचर्य। वीर्य निगरी रहें, मन तथा इंद्रियों पर संयम करके शारीरिक शक्तियों की रक्षा करना, वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ना तथा ईश्वर की उपासना करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया है कि वैदिक उपासना किस प्रकार से करनी है, कृपया उसे देखिए। अंतिम पांचवा भाग है अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक संसाधनों को इकट्ठा तो नहीं किया, हानिकारक एवं अनावश्यक वस्तुओं का तथा हानिकारक एवं अनावश्यक विचारों का संग्रह ना करना अपरिग्रह कहलाता है। तो मित्रों, यह था अष्टांग योग का प्रथम आयाम यम और इसके पांच भाग। आज की वीडियो यही समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम अष्टांग योग के द्वितीय आयाम को समझेंगे। अथवा आपसे निवेदन है, आप सभी अष्टांग योग के यम नामक आयाम पर चिंतन करें। धन्यवाद।